हाय, तो मेरा नाम रॉकी है और मैं गेम्स बनाता हूँ, या कहो कि मैं कोशिश करता हूँ गेम बनाने की। और मैंने अभी तक जो भी गेम्स बनाई है, या कहो कि प्रोटोटाइप्स गेम्स, उसमें मैंने जितने भी एनिमेशंस यूज किए वो मैंने मिक्सामो से लिए है। और एज अ सोलो गेम डेवलपर मुझे एनिमेशन बनाने आने चाहिए, और इसलिए मैंने खुद को एक चैलेंज दिया कि मैं क्यों ना एक गेम बनाऊँ जिसमें मैं खुद के एनिमेशंस यूज करूँ। और ये करने से मुझे पता चलेगा कि एनिमेशंस कैसे बनाते हैं, हुनर में स्मार्ट। और ये चैलेंज बिल्कुल वैसा ही गया जैसा मैंने सोचा था, एकदम स्मूथ। तो आते हैं डे वन पे, और ये पूरा दिन ऑलमोस्ट सर गुजारने में एंड रिसर्चिंग में ही लगा कि गेम किस बारे में होगी। एंड क्योंकि मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, तो इसलिए मुझे एक सिंपल गेम बनानी थी जिसे मैं कंप्लीट कर सकूं। और इसलिए मैंने एक जॉम्बी शूटर की गेम बनाने का सोचा जिसमें जॉम्बी प्लेयर के अराउंड रैंडमली स्पॉन होंगे एंड फिर हमें उन्हें मारना होगा ऑफकोर्स। एंड फिर मुझे एक अच्छा ट्यूटोरियल मिल गया कैरेक्टर एनिमेशन पे, जिसमें बिना कोई शर्म के फॉलो करने वाला हूँ। डे वन को बस मैंने इतना ही किया क्योंकि मुझे और भी बहुत जरूरी काम थे जैसे कि। तो आते हैं डे टू को, और मैंने सबसे पहले कैरेक्टर मॉडलिंग स्टार्ट की, और ये कैरेक्टर उस ट्यूटोरियल से मैच करता है क्योंकि मैं उस ट्यूटोरियल को देख के कैरेक्टर बनाया ताकि मैं उस ट्यूटोरियल को फॉलो करके एनिमेशन बना सकूं। बट फिर मैंने मेरे कैरेक्टर को एक बैकपैक एंड टोपी दे दी, तो अब हमारे कैरेक्टर बिल्कुल भी सेम नहीं लग रहे। एंड कैरेक्टर रेडी है, अब बारी है कैरेक्टर एनिमेशन बनाने की। और मुझे अभी के लिए सिर्फ 3 एनिमेशन चाहिए, जो है आइडल, रन एंड शूटिंग, ताकि चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। लेकिन उससे पहले हमें अपने कैरेक्टर को रिग करना होगा ताकि हम उसकी बॉडी को मूव कर सके। सिंपली कहूं तो हमें कैरेक्टर में बोन्स डालने होंगे ताकि हम उसे कंट्रोल कर सके। एंड ये प्रोसेस इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट इनवर्स किनेमैटिक को ऐड करना मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा। इनवर्स किनेमैटिक ये है जहां प्लेयर के लेग्स अपने आप फोल्ड हो रहे हैं, इससे एनिमेशन प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है बेसिकली। एंड फिर मैंने ये ट्यूटोरियल को फॉलो करके ये आइडल एंड रन एनिमेशन बनाए जो ऐसे लग रहे हैं। सच कहूं तो ये एनिमेशन बनाना इतना भी हार्ड नहीं था, मुझे लगा बहुत ज्यादा हार्ड होगा यार। हालांकि मुझे पता है कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, अभी जो मैंने बनाया है वो बहुत ज्यादा सिंपल एनिमेशन है, इसके लिए मुझे इतना ज्यादा इजी लगा, पर कैसे तो स्टार्ट करना था। एंड फिर मैंने मेरे खुद के एनिमेशन बनाए जो है शूटिंग एनिमेशन। एंड डे टू यही खत्म होता है। आते हैं डे थ्री को, जहां मैंने मेरे ज़ॉम्बी कैरेक्टर को मॉडल किया एंड उसी सेम टेक्निक से रिग किया जैसे मैंने मेरे मेन कैरेक्टर को रिग किया था। एंड मुझे थोड़ा बहुत एनिमेशन समझ आ गया था, तो इसलिए मुझे इस बार कोई ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं पड़ी। तो थोड़ी देर बाद हमारे पास ज़ॉम्बी के ये आइडल, रन एंड अटैक एनिमेशन है, जो इतने अच्छे नहीं लग रहे, बट अभी के लिए मैं इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता। तो अब हमारे मेन कैरेक्टर एंड ज़ॉम्बी के एनिमेशन रेडी है, अब हमारा ब्लेंडर का काम होता है खत्म। अब बारी है अनरियल इंजन में जाने की और गेम बनाने की, और अनरियल इंजन तो हमें यूज करना आता ही है। तो मैंने सबसे पहले कैरेक्टर को इंपोर्ट किया, उसके एनिमेशन ब्लूप्रिंट बनाया, कैमरा के एंगल को थोड़ा चेंज किया, एंड हमारा कैरेक्टर रेडी है एनिमेशन के साथ जो रन भी कर सकता है। इसके साथ डे 3 यहीं खत्म होता है, अमेजिंग। फिर मैंने डे 4 को ज़ॉम्बी AI के एनिमेशन ऐड करे, और अब हमारा ज़ॉम्बी कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड मैंने ज़ॉम्बी के आई को थोड़ा ग्लो भी दे दिया है ताकि लगे कि हाँ ये ज़ॉम्बी है। एंड मुझे ज़ॉम्बी के मूवमेंट एंड अटैक सिस्टम को कोड करना था, जो बहुत ज़्यादा सिंपल था। मुझे बस मेरे कैरेक्टर का करंट लोकेशन चाहिए था एंड उस लोकेशन पे ज़ॉम्बी को मूव कराना था, एंड ज़ॉम्बी उस लोकेशन पे आने के बाद अपना अटैक एनिमेशन प्ले करेगा, जो गेम में कुछ ऐसा लगता है। और फिर थोड़ी सी और कोडिंग के बाद हमारी गन भी काम करने लगी है, जो ज़ॉम्बी को शूट भी करेगी, एंड जब ज़ॉम्बी की हेल्थ खत्म हो जाएगी तब ज़ॉम्बी रेगडाउन में बदल जाएगा, जो कि तुम देख ही सकते हो। एंड डे 4 यहीं खत्म होता है। डे 5 को मैंने ज़ॉम्बी के हेल्थ बार, ज़ॉम्बी का ब्लड इफेक्ट एंड ज़ॉम्बी के डेथ इफेक्ट को भी ऐड कर दिया था। मुझे ज़ॉम्बी में वैरायटी चाहिए थे, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उन्हें मॉडल करूं एंड फिर उन्हें एनिमेट करूं, तो इसलिए मैंने ज़ॉम्बी के कलर एंड स्पीड को चेंज कर दिया जब ज़ॉम्बी वर्ल्ड में स्पॉन होगा, एंड ये रैंडमली काम करते हैं। ये करने से गेम थोड़ी और इंटरेस्टिंग एंड हार्ड हो जाएगी। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी कि कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बी कुछ ज्यादा ही हो जा रहे थे, और इससे प्लेयर जगह जगह पे फंस के मर रहा था, जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। एंड इसलिए मैंने एक सिंपल ब्लैसिंग सिस्टम भी ऐड कर दिया, जो प्लेयर के हेल्प करेगा रिलोकेट होने में एंड थोड़ी चैन की सांस लेने में। डे 6 जो मेरा सबसे फेवरेट था, क्योंकि आज मुझे लेवल बनाना था। तो ये रहा हमारा फाइनल लेवल जो नाइट टाइम में सेट है, एंड मैंने थोड़ा फॉग भी ऐड कर दिया है, जो हमारे ज़ॉम्बी टाइप गेम को पूरा सूट होता है। एंड ये रहा लेवल में फार्म, ये एक सिंपल सा फॉरेस्ट एंड ये कुछ ओपन स्पेस। लेवल बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। एंड ये लेवल में जितने भी एसेट्स यूज हुए हैं वो सारे मैंने अनरियल इंजन के मार्केट प्लेस से लिए हैं, एंड कुछ मैंने स्केच फैब से भी लिए हैं। तो हाँ, मैंने इनमें से कोई भी एसेट्स को खुद से मॉडल नहीं किया है, नहीं तो मुझे हफ्तों लग जाते सिर्फ लेवल बनाने में। तो आते हैं डे 7 पे, जो चैलेंज का लास्ट डे है, एंड इस दिन मुझे गेम का UI कंप्लीट करना था, जो ऑफ कोर्स मैंने कर दिया। नहीं, सच में मैंने UI कंप्लीट कर दिया। अब UI के बारे में मैं क्या ही कहूँ, बहुत बोरिंग चीज है, पर फिर भी सिंपल दिखा देता हूँ। ये रहा मेन मेन्यू, ये रहा एंड मेन्यू, ये रहा हेल्थ बार, एंड ये है डैशिंग बार, और ये है टॉप स्कोर, एंड या दैट्स इट। गेम प्लेएबल है एंड itch.io पे अवेलेबल भी है, तो तुम जाके गेम को खेल सकते हो। तो क्या मैंने मेरे चैनल को कंप्लीट किया? अगर मैं सच कहूँ तो नहीं, क्योंकि डे 7 के बाद भी, ये वीडियो की एडिटिंग के वक्त भी, मैं इस गेम पे काम कर रहा था, जैसे कि बग फिक्सिंग में
एंड बग फिक्सिंग में एंड हाँ, मैंने हेल्थ एंड पावर अप आइटम भी ऐड करे। तो अगर मैं ये सब लेके चलूँ तो मुझे गेम बनाने में कुछ 9 से 10 दिन लगे, जिससे चैलेंज फेल होता है। पर कम से कम मुझे थोड़ा बहुत कैरेक्टर एनिमेशन के बारे में समझ आ गया एंड एक गेम भी बन गई। या तो ये गेम itch.io पे अवेलेबल है, जाके खेल सकते हो। हालांकि गेम 2 मिनट बाद बोरिंग लगने लग जाएगी, पर ट्राई तो कर ही सकते हो। तो यार, ये वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आइडिया दो यार मुझे कमेंट में, जिससे मैं बना सकूं, क्योंकि मेरे आइडियाज मेरी तरह बोरिंग है। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।